हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं। बाय द वे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग मैं कॉलेज से हॉस्टल वापस जाने के टाइम ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह को बहुत काम था और वैसे भी स्टूडेंट भी बहुत बिजी डे है हम लोग के लिए। और कॉलेज में जाकर इतना हाँ, मंडे को हम सबको पूरा जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा, इसलिए सब कुछ मिलाकर बहुत सारा है वो सबमिट करना है, तो इसलिए थोड़ा बिजी रहूंगी। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारा असाइनमेंट है हो रहा है। हाँ, और बाकी का सब कुछ भी दिखाऊंगी। चलो फिर चलते हैं। ये भी एक हॉस्टल है हमारा, ये हमारा कैंटीन हॉस्टल है और यहाँ पर हम खाने के लिए आते हैं। पॉली, ये है आज का हमारा खाना और इसका जूस देखिए। आज मेरा जूस बहुत था लेकिन मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया। और मेरा तो सब्जी के साथ घी मिक्स हो गया था, फिर राइस देके खा लिया। मैं ऐसे मतलब ठीक से ऐसे फैला के खाती हूँ। और इसको जो भी दे दो ये पूरा साफ करके खाते हैं। ए उठा। और मेरा मानना है कि खाना ही तो है इसके ऊपर। ये देखिए देखिए खाना तो है। सोमवार नहीं, सोमवार बोल रही है वो। सोमवार असाइनमेंट देना है। लंच करके आ गए हम आज। चना मिला था, चना। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। करंट नहीं है। तू क्या अपना शक्ति दिखा रही है? वो ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है? वो ज्यादा भारी नहीं थी कि तू उसको उठा नहीं पाएगी। हेलो गाइस, इसकी बात मत सुनो मेरी बात। यहाँ का सब लोग थोड़ा थोड़ा मेंटल है, आप लोग कुछ माइंड मत करना। अमर कुचू यहाँ बात छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं तो बोल दिया इसका पता नहीं। तुम्हारा वो दोस्त क्या नाम है? चेंजू। मुझे रोज छेड़ता है इसका पता नहीं। इसमें एडिक्शन है बोल। ये देखो गोया है। कोई लिक्विड जैसा कुछ गया तेरे मुंह के ऊपर? और तेरा किसमें एडिक्शन है बोल? मेरे नेल पॉलिश के, मेरा पेट्रोल में, केरोसिन में, माटी में, पेंसिल में, चौक में। चौक खाती है तू? चौक खाती है? अगर नहीं खाती है, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर बहुत दिन बाद अगर बारिश होती है तो वो मिट्टी में जो पहली बूंद जब गिरती है ना, उसका जो मिट्टी का जो खुशबू है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब आई एम एडिक्टेड टू दिस। ओह माय गॉड। सुन, मेरा एक दोस्त है हाँ, वो मतलब उसका क्लास 10th के बाद शादी हो गई थी, ठीक है? अभी उसका एक मतलब बच्चा भी हो गया मुन्ना, ठीक है? सुनिए सुनिए सुनाइए फिर। हाँ सुनाइए फिर। उस लड़की, मुझे तो पता ही नहीं, उस लड़की उसका मेरे दोस्त का बच्चा भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी जाती हूँ तो मिलती हूँ, वो घर के पास ही रहती है। तो उसका एक लड़की भी है। बनने का सुख कब देगी तू? उसका बच्चे को एक या 1.5 साल का होगा, तो उसको मतलब उसका ना पति मतलब उसको लिखने के लिए वो थोड़ा बहुत तो पेंसिल लगा के देता है ना, तो उस स्लेट में लिखने के लिए। तो उसका पति उसके बच्चे के लिए ज्यादा लाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो दोस्त है वो बच्चे का पेंसिल लेके खा जाती है, इसलिए उसका पति वो पेंसिल छुपा के रखता है, इसे बच्चे को देता है, फिर लिखता है, फिर देता। और मेरा वो दोस्त है ना अनिंदिता, वो चौक भी खाती थी और एक बार गलती से केनो खा गई थी, पता है? सच्ची में कोलर भी तो केनो था। मैंने बता दिया उन लोगों को सच्ची में। जब वो मतलब उसका बचपन जो था, बचपन मैं जो मेरी दोस्त की बात किया ना, वो मेरा दोस्त का नाम है काकुन। तो अगर देखेगी तो देख के लाइक करना, ठीक है? हाँ। बहुत और इसको देखो, केला खा रही है। अरे इसके साथ तेरा वो वाला रील्स जाएगा। वेट साइड केला, साइड केला। ओह
देखो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ वाटर का प्रॉब्लम तो है ही, फिर अभी करंट भी नहीं है पता है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तुझे गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा। मुझे अभी कॉलेज भी जाना है तो इसलिए मतलब बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, लेकिन फिर भी जाना है क्योंकि कुछ ऑप्शन भी नहीं है। अगर नहीं गया तो मैम के डर से जा रही है, मतलब ये मैम के डर से जा रही है, नहीं तो नहीं जाती है। वो तो डरना तो थोड़ा बहुत, मैम भी सर के डर से जा रही है। हम लोगों को आप लोग ही बोलिए ना, आफ्टरनून में तो 10 times वो सेम नोट्स हमें लिखना पड़ेगा। ये सब बच्चों जैसे हरकते है। जा भाई तू लिख ले, बहुत देर हो गई है। मुझे पता है तू कुछ देर बाद जाके तू सो जाएगी। मैं अभी सो जाऊंगी। हाँ तो फिर कब लिखेगी तू? सुबह को। सुन मेरा तो हालत खराब, मेरा तो तबीयत खराब है, तू क्यों नहीं लिख रही? मेरा भी तबीयत बहुत खराब है, ठीक है मैं आज। अरे सोमवार को देना है, लिख ले। मैं तो लिख लूंगी, तू तो लिख ले अभी। मुझे मतलब मेरा चाइल्ड हेल्थ का कम्प्लीट है, ठीक है, और मेरा दो केयर प्लान कम्प्लीट है। अब मैं सिर्फ MSN का लिखूंगी और दो और तीन केयर प्लान बाकी है। और केस स्टडी कितना अभी भी चाहिए थे, केयर प्लान और केस स्टडी बाकी। ये आज बहुत टायर्ड हो गई है, इसका तबीयत थोड़ी खराब है, तो जाके सो जा, कल सुबह उठ के देखना, ठीक है? नहीं, मेरे बेड में एकदम ही जगह नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि मेरे बेड में कितना बैग जाता है, देखा ना? तो मेरे बेड में जाकर सो जा, प्लीज जाके सो जा। पेट एकदम भरा हुआ है, अगर भूख लग गई है तो कुछ बना के खा ले, फिर सो जा। कैसे ज्यादा टेंशन मत ले। खाने गई थी क्या? तो फिर देखो ये लड़की आज डिनर करने भी नहीं गई थी पता है, और आज बैंगन मिला था हम लोगों को। खाना तो वैसे बहुत अच्छा है, वैसे बैंगन तो मेरा भी थोड़ा बहुत जितना भी मिलता है उतना ही खाना चाहिए। तो इस लड़की को ये अभी मेरा ब्लॉग दिख रही है, और वो जो पीछे जो है ना, एक फोकस वापरे वो जो पीछे पीछे, हाँ ये जो है ये अभी अपना असाइनमेंट लिख रही है। बहुत बिजी है लड़की। समझ गई, तो तेरे बारे में बात कर रही हूँ। पहले समझ गई, अभी जस्ट क्यों बोलती है? टांग मत बड़ा, टांग मत बड़ा। मैं पक्का बोल रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगी तुझे। अगर तूने रिक्वेस्ट नहीं किया ना, मैं तुझे नहीं दूंगी। मैं तुझे ऑर्डर कर रही हूँ, मेरे फोन में तू वो सब फोटो भेज दे, वो सब फोटो प्लीज बादशाह, प्लीज भेज दे, पकड़ के प्लीज भेज दे प्लीज। ठीक है, आप जब इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं दे ही सकती हूँ। इतना रिक्वेस्ट मुझे, मैं थोड़ा मतलब सॉफ्ट दिल का आदमी, मतलब आदमी है वो, सॉफ्ट दिल का आदमी है, ठीक है? मतलब आदमी है, मतलब ही आदमी। तो मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, तो इसलिए इतना रिक्वेस्ट किया कि मैं, मेरा दिन पूरा बर्फ की तरह गल गया। वो का कितना करके हुआ है लादो? मेरा तो उसका कंप्लीट है, मैं बोल देता हूँ उसका सब कंप्लीट हो गया है। मुझे बोलने तो दे, उसका सब कंप्लीट। मैं क्या झूठ बोलूंगी? हाँ मेरा चाइल्ड हेल्थ सब कम्प्लीट है, ओके, और केयर प्लान दो। मैं बोलती हूँ इसका सब कम्प्लीट है, मेरा असाइनमेंट हो गया है, पर केयर स्टडी और केयर प्लान नहीं हुआ है। केयर स्टडी और केयर प्लान, स्टडी और केयर प्लान, और बाकी सब कम्प्लीट है। MSN 1 का जो कम्प्लीट, MSN 1 और MSN 2 मेरा कर 15 हुआ है, कम्प्लीट सब कम्प्लीट है। अभी कॉलेज में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है तो इसलिए, और असाइनमेंट देना है हम लोगों को, असाइनमेंट सबमिट करना है हम लोगों को मंडे को, तो तीन सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट को सबमिट करना है, और उसमें से जो मेंटल हेल्थ है वो हम लोगों को 26 या 27 को सबमिट करना है, लेकिन बाकी का जो MSN 1 और 2 है और जो CHN है मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, वो ये दोनों हम लोगों को मंडे को सबमिट करना है। लेकिन अभी तक मेरा चाइल्ड हेल्थ और 2 शायद बाकी है, और बाकी MSN 1 और MSN 2 अभी भी पूरा बाकी है, वो मैं अभी आज करने बैठूंगी। मिस्टर बीन। और अभी टाइम हो रहा है 12:43 रात के, और मैं अभी ये ऐसे हेडफोन लगा के बात कर रही हूँ क्योंकि बाकी सब लोग सो गए हैं, तो इसलिए मैं स्लोली स्लोली बोल रही हूँ।
और बाकी तो अभी मैं असाइनमेंट लिख रही थी अभी तक, और एक सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे कल सुबह को उठ के MSN 1 MSN 2 लिखना है, साइक्रेटिक मतलब मेंटल हेल्थ का भी स्टार्ट करना है, वो भी बाकी है। और अभी मैं सोने जा रही हूँ, मैं कल सुबह उठ के आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। ये देखो अब तक मैं लिख रही थी ये सब, ये है चाइल्ड हेल्थ का असाइनमेंट, अभी भी MSN 2 1 सब कुछ बाकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह उठती मैं फिर से असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर दिया था मैंने, कल रात तक मैंने बहुत रात तक मैंने लिखी थी। मैं सिर्फ मैंने बहुत रूम के सब लोग बहुत रात तक लिखे थे असाइनमेंट, क्योंकि अभी असाइनमेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को ये मंडे को सबमिट करना है और आज है सैटरडे, तो मतलब बहुत प्रेशर है अभी भी। MSN 1 2 एक में ही है, मतलब मेडिकल सर्जिकल 1, और फिर मेंटल हेल्थ भी लिखना है। अभी तक मैंने चाइल्ड हेल्थ लिख रही थी और वो कंप्लीट हो गया है पूरा। और फिर हम लोगों को अभी कॉलेज भी जाना है, उसके लिए मुझे रेडी होना है, ब्रश व्रश सब कुछ तो हो गया है, लेकिन मुझे अभी नहाना है। और आज सैटरडे है तो इसलिए आज हब डे है, मतलब 12:30 को हमारा छुट्टी हो जाएगा, उसके बाद और नहीं जाना है कॉलेज, तो तब मुझे टाइम मिलेगा लिखने के लिए। हो सके तो मैं क्लास में भी लिखने की कोशिश करूँगी। तो चलो, मैं आप लोगों से रेडी होने के बाद मिलती हूँ। चलो, मैं रेडी होगी और अभी मैं बॉर्नविटा पीऊँगी। हाँ, मैं आज ब्रेकफास्ट करने नहीं गई, पोहा दिया है, वो सूखा सूखा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं बॉर्नविटा पी रही हूँ। बोल। हाँ, मैं रेडी हूँ। तो रेडी है? हाँ, मैं भी रेडी हूँ। ठीक है, तो लेकिन मुझे अभी भी बाल बनाना बाकी है, मुझे अभी बॉर्नविटा भी पीना था। मेरा असाइनमेंट सब कुछ कम्प्लीट हो गया है। मैं कल 9 बजे सो गई थी, तो कंप्लीट कैसे होगा? मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सो लिया था ना। इसका तबीयत थोड़ा ख़राब थी, लेकिन अभी सही है ना? अभी सही, इसलिए तो थोड़ा सज धज भी अच्छे से है ना। अच्छी सी, ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी जाओ। मम्मी ने मुझे घर से ये बना के दिया था, ये है नारियल का लड्डू, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। चलो, हम लोग अभी कॉलेज जा रहे हैं। मैं बहुत लेट हो गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई, तो मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी लेट ही हो जाती है। चुप कर। तो अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ और बाय, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वन टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय करते हैं। मैं किसी और को लेना सोच के उसको बाय बाय कहने के लिए बोल रही थी। तू मुझको किसी और के साथ कैसे कम कंफ्यूज कर सकती है? वो मतलब हो गया गलती से मिस्टेक, ठीक है, बाय। यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। बाय बाय बाय, फोन बंद कर दो।